हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो भाई आज आया हुआ हूँ मैं, मुजफ्फरनगर नाइट का प्रोग्राम है तो अभी पहुँचा और अभी आके बस गाड़ी लगाई है पार्किंग में। अभी यहीं पे सामने मेरी झोल है, इसमें ही प्रोग्राम हुआ हुआ है। तो दिखाते हैं आपको आज का प्रोग्राम, किस तरह का प्रोग्राम है, कैसा हुआ हुआ है। अभी तक मैं अंदर भी नहीं गया हूँ तो अब चलते हैं अंदर। अंदर जाके आपको दिखाते हैं यहाँ का, ठीक है जी। यही पास में पार्किंग में गाड़ी लगा दी है और गाड़ी लॉक करके चलते हैं अंदर। ये गाड़ी हो गई अपनी सेफ। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ जी, ओके है। चलो तो भाई लड़के को मिली है, लड़की वालों की तरफ से ये कार। पहले आपको ये दिखा देता हूँ मैं चल के। तो ये वाली बलेनो कार है, ये मिली है लड़के को। और ये बाइक भी मिली है, ये बाइक हो सकता है लड़के के बाप की, बाप को मिली हो। और बाकी मैं पूछ के बताऊंगा आपको। प्रोग्राम काफी अच्छा हुआ हुआ है, दिखते हैं। ये यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, जूस वगैरह की स्टॉल लगी हुई है। और इधर लेडीज का बैठने का हॉल है। और इधर इस ग्राउंड में हुआ हुआ है जी खाने का प्रोग्राम। तो अभी खाना स्टार्ट नहीं हुआ है, दिखाते हैं आपको। खाना स्टार्ट होगा तब खाने में क्या क्या है। पान स्टॉल है। अभी खाना स्टार्ट नहीं हुआ है तो खाना जैसे स्टार्ट होगा खाने में भी दिखाएंगे आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे भाई चिकन फ्राई और चिकन चाप, ये अभी जो मैंने दिखाई है आपको, ये चिकन चाप है और फ्राई है, ठीक है। और बाकी इधर से स्टार्ट करते हैं आपको दिखाना। तो ये यहाँ पे फ्रूट चाट है, फ्राई टिल्ला लगा रखा भाई। तो भाई सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इसको और बाकी बाद में देखते हैं। अभी भीड़ हो रही है, खाना हो गया स्टार्ट। उसके बाद आपको दिखाते हैं आगे। ये है चिकन प्याज़ा, अच्छा जी कोरमा है, चिकन कोरमा प्याज़ा वाला, इसका नाम ठीक से मुझे पता नहीं है, चिकन प्याज़ा बोलते हैं शायद इसको। और इसके पास में ही लगा हुआ है ये वाइट कोरमा, ठीक है जी। ये वाइट कोरमा हो गया और ये नान हो गए, ये बड़े का कोरमा हो गया जो कटड़ा बोलते हैं उसका, ये भी चिकन का कोरमा है, ये बड़ा कोरमा है, ये भी मटन वगैरह का। मुझे इतना गोश्त का शौक नहीं है तो मैं ज़्यादा खाता भी नहीं हूँ। और ये हो गया चिकन का वाइट कोरमा। तो चले आगे चल के आपको दिखाते हैं। ये हो गई तारी और ये इसके बराबर में जर्दा बिरयानी, ठीक है जी। अभी आगे चल के आपको दिखाते हैं। ये हलीम बिरयानी हो गई, ये हलीम है और ये इसके बराबर में बिरयानी, साथ में मिक्स करके देते हैं हलीम बिरयानी।
और ये इधर है जी खीर, खीर का भी जो है इन्होंने खीर बनाई हुई है मीठे में। तो और इसके बाद आपको दिखाते हैं यहाँ पे ये है गोलगप्पा। तो गोलगप्पा एक बार हम खा के चेक कर लेते हैं एक दो कैसे बने हुए हैं, तो बताते हैं आपको खा के। गोलगप्पे बने हुए हैं एकदम ज़बरदस्त। और ये है जी दही बल्ला, इसको बोलते हैं यहाँ पे दही बल्ला। तो ये दही बल्ला हो गया, गोलगप्पा सब हमने आप लोगों को दिखा दिया यहाँ पे, जो जो आइटम था ये इधर फ्राई है। तो अब और भी आपको दिखाते हैं यहाँ पे थोड़ा क्या प्रोग्राम हुआ है। तो अभी थोड़ा हम यहाँ पे घूम लेते हैं, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ हुई हुई है क्योंकि काफ़ी बड़ी शादी है और बड़ी शादी में अक्सर मेहमान ज़्यादा आते ही हैं। लगभग मेरे हिसाब से 4-5 हज़ार लोगों का ये प्रोग्राम होगा, हो सकता है ज़्यादा ही लोगों का हो। तो अब आप लोग खुद देख के बताएं कितने लोगों का ये प्रोग्राम होगा क्योंकि काफ़ी बड़ी जगह में और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। तो उसके बाद ये यहाँ पे देवबंद से कोई पान वाला आया हुआ है, तो इन्होंने पान के लिए बुलाया हुआ है ये यहाँ पे स्पेशल मीठा पान लगाने के लिए बरातियों के लिए। तो पान वगैरह हम कुछ खाते नहीं हैं, ये हमारे मतलब से बाहर है। तो अभी हम थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पी के तो अभी चलते हैं फिर बाहर को। बाहर को जाने के बाद आप लोगों को दिखाएंगे दूल्हा, दूल्हा कैसा है और दूल्हा जो दुल्हन की परी ले जाता है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी आप लोगों को परी का सामान और दुल्हन का सामान सारा दिखाएंगे। तो ये है जी परी का सामान, ये दुल्हन का सामान आया हुआ है जो दूल्हा लेके आया है जो दुल्हन पे परी चढ़ती है। और ये आप देख सकते हैं ड्राई फ्रूट्स की यहाँ पे परांठ लगी हुई है। और ये है दूल्हा भाई, तो दूल्हा भाई में जो है बीवी के दुल्हन के परी के लिए ज़्यादा काफ़ी खर्चा किया हुआ है। कभी आप लोग सोच रहे हो कि ऐसे ही इसको भाई को कार और बाइक मिल गई है, तो ऐसे ही बाइक और कार नहीं मिली है, उसके लिए भाई ने काफ़ी जो है खर्चा किया है, ये आप देख सकते हैं। तो आप लोग जो है बताएं आज का प्रोग्राम आप लोगों को कैसा लगा, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तो आज का प्रोग्राम आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कमेंट करके। तो अभी हम खाना वाना खा के फ्री हो गए हैं, आ गए हैं दूल्हा के पास। ये दूल्हा का हार रखा है जो दूल्हा नोटों का हार डाल के लेके आया है 500 रुपये का, और इस पर लेमिनेशन हुई हुई है बाकायदा। ये दुल्हन के सेट हैं, दुल्हन के सूट हैं, और जो भी बरी में ये दुल्हन के शूज़ हैं, जूती हैं। तो ये आप लोग देखें दूल्हा ने काफ़ी खर्चा किया हुआ है। और उसके बाद हम चल देते हैं कांदला की तरफ मुजफ्फरनगर से। तो ये है मुजफ्फरनगर की मार्केट का व्यू रात का 12:30 के करीब हमें बज गए हैं। तो आप लोग देख के बताएं आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी हम दिखाते हैं ये मुजफ्फरनगर का जो मेन शिव चौक है, ये फेमस शिव चौक है। तो आज का व्लॉग करते हैं यही एंड, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।